यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए दिल्ली की टीम को मैदान में उतार दिया है। अंदाजा इसी बात से आप लगाइए कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कमांडो सुरेंद्र विधायक और इसके अलावा अब वजीराबाद के विधायक राजेश गुप्ता ने पिहोवा में कार्यकर्ताओं से बैठक की है और संकेत ये दिए कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के चुनावों और संजीदगी से इसे जरूर लेगी। पिहोवा के किसान विश्राम गृह में आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत की, बीजेपी सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया और कहा कि हरियाणा की जनता मनोहर सरकार के विदाई के लिए मन बना चुकी है। इनेलो बीएसपी गठबंधन पर चुटकी उन्होंने ली। गुप्ता ने कहा कि जिनसे अपना घर नहीं संभलता वो गठबंधन धर्म क्या निभाएंगे। गुप्ता ने दावा यह भी किया कि आगामी सरकार हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। देखिए, मेरा ये मानना है और जनता का ये मानना है कि हरियाणा के साथ में जो एक तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है इतने सारे सालों से और लगभग सारी पार्टियां जिस तरीके से हरियाणा का शोषण करती चली आ रही है, क्योंकि हरियाणा में हम सभी जानते हैं कि अपार संभावना है, दिल्ली के साथ में लगा हुआ है, खेती में बहुत अच्छा है, इन सबके होने के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती है कि नहीं है, जैसे कुछ क्षेत्रों में तो बिल्कुल ही नहीं, लेकिन उन सबके बावजूद हरियाणा के साथ में एक ऐसा दुर्व्यवहार है कि हरियाणा आगे जाने की बजाय पीछे जा रहा है, क्योंकि हरियाणा दिल्ली के साथ में लगा हुआ है तो हरियाणा के लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि दिल्ली ने ये जो आम आदमी पार्टी की हमारी सरकार आई है कितनी तेज़ी से बदलाव करी है, शिक्षा में, चिकित्सा में, पेंशन में, इसलिए हम ये चाहते हैं और जनता का बल्कि मानना है, आम आदमी पार्टी से ज़्यादा जनता ये चाहती है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में लड़े और यहाँ पर एक ऐसी सरकार बने जो आम जनता की।